आज हम प्रोटीन रिच हेल्दी और टेस्टी थाली पीठ बनाएंगे। ये थाली पीठ खाने में टेस्टी है, अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट डाइट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी हेल्दी फूड। आज हम बनाएंगे सोया थाली पीठ। सोया थाली पीठ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3/4 कप सोया चंक गर्म पानी में 2 आवर्स के लिए भिगा के रख दिया था। अभी हम उसको ऐसे प्रेस करके उसका पानी निकाल देंगे और उसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। सोया चंक को अभी हम अच्छे से पीस के ले लेंगे। हम एक बार में थोड़े ही सोया चंक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, उसकी वजह से वो अच्छे से पीस जाएंगे। पीसे हुए सोया चंक अभी हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। हम सारे सोया चंक ऐसे ही पीस के ले लेंगे। अभी हम इसमें 3/4 कप बेसन डाल देंगे। बेसन डालने की वजह से सोया थाली पीठ में बाइंडिंग आ जाएगी। 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही की वजह से थाली पीठ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक प्याज को मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके ले लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे। एक बारीक कटा हुआ टोमेटो डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 2-3 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका मैंने पेस्ट बना के लिया है, वो इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून तिल डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन थोड़ी मसल के डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग और नमक डाल देंगे। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा डो बना के ले लेंगे। ये डो बनाते वक्त हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। डो बन के रेडी है, अभी हम थाली पीठ बना लेंगे। मैंने यहाँ पे पैन को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अभी हम डो का एक बॉल जितना पोर्शन ले लेंगे और उसका एक गोल बना के वो पैन पे रख के उसको प्रेस करके ऐसे छोटा थाली पीठ बना के ले लेंगे। अभी हम थाली पीठ के सब साइड से ऑयल डाल देंगे और अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करके ले लेंगे। 4-5 मिनट के बाद हम थाली पीठ को पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करके ले लेंगे। थाली पीठ दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम उसको निकाल लेंगे। हम सारे थाली पीठ ऐसे ही बना के ले लेंगे। थाली पीठ बन के रेडी है, अभी हम उसको दही के साथ या फिर अचार के साथ उसको सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।